ओके जय, आपको लास्ट सेशंस की वीडियो मिल गई है क्या? लास्ट सेशंस की मैंने जो वीडियो है वो शेयर किया था, आपको मिल गया? स्लाइड्स भी ये मैंने शेयर किया हुआ था। हाँ मिल गई, ये ओके स्लाइड्स भी थी, मैंने वीडियो तो किया है। स्लाइड भी आप लोगों को तो शेयर हुई है, FTD की स्लाइड है, ठीक है? एक बार आप चेक कर लीजिए पे अपने। ओके, लास्ट सेशन में हमने एक सिंगल स्टैंड अलोन फैब्रिक बॉक्स पे काम किया था, याद है आपको? हाँ तो उसी उसी कॉन्सेप्ट को अभी मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक अभी है। हमारे पास एक स्टैंड अलोन फैब्रिक डिवाइस है और इसका 0/0 इंटरफेस और 0/1 इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया था। मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो फावल डिवाइस है, इस पे जो आई पी एड्रेस आप यूज कर रहे हो मैनेजमेंट पोर्ट पे, वो है 199.199.199.100। सो यप वेट, हम इसे एक्सेस कर लेते हैं। 199.199.100। सो अभी ये डिवाइस जो है FMC के थ्रू मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो आपने डिफाइन किया था कि आप इसे लोकली मैनेज करना चाह रहे हैं। तो यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड आपका pass@123। नाउ वैसे तो सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें FMC के थ्रू करना है, बट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि स्टैंड अलोन डिवाइस को अगर आपको मैनेज करना हो तो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जय? बट यहाँ पे क्या है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आप FMC के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बट जितने सारे एडवांस ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे स्टैंड अलोन डिवाइस पे नहीं मिलते हैं। जैसे अभी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, तो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो। आपकी आपकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने IP address कॉन्फ़िगर किया था LAN इंटरफेस पे और WAN इंटरफेस पे, याद है ये IP address? हाँ ये ओके, सो 0/0 इंटरफेस पे हम लोग DSCP का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं उस पे IP address क्या चल रही है। फायरवॉल सिस्को ASA फायरवॉल बॉक्स का कमांड यहाँ पे चलेगा, शो इंटरफेस IP ब्रीफ। तो वैन फेसिंग इंटरफेस पे अभी IP address नहीं है, तो मैं स्विच को स्टार्ट कर लेता हूँ। वैन फेसिंग इंटरफेस पे हम DSCP के थ्रू IP address यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक IP address मिल भी जाएगी, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, और एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट भी हो जाएगा। ओके, सो जब तक ये स्विच स्टार्ट होता है फिर चेक करते हैं हम लोग, तब तक हम यहाँ आते हैं। सो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लाइक राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपको याद होगा यहाँ पे ऑप्शन होता है राउटिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ से आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, स्टैटिक, BGP, OSPF या EHF। ओके, अब पॉलिसी टैब पे आप आ जाओ। देखो हमने अभी, ये एक नया फावल बॉक्स है। अच्छा जैश, जैश आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जैश, लास्ट सेशन जो आपने डिस्कशन किया था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? आई होप आपने लास्ट जो सेशन था Day 1 और Day 2 की वीडियो आपने देख लिया होगा। ओके जय, ये एक नया फावल बॉक्स है, राइट? हमने इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है? स्टैंड अलोन डिवाइस पे, आप स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह आप इसको यूज कर रहे हो। देखो नेट पॉलिसी पहले से ही कन्फिगर है, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट यहाँ पे मिल रहा होगा, SSL डिक्रिप्शन, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है, ये सब आप कॉन्फ़िगर करते हो थ्रू FMC। यहाँ पे देखो ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ये सब ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जब आप पॉलिसी टैब में जा रहे हो तो नेट कह रहा है कि नेट का एक रूल पहले से क्रिएट है, एक्सेस पॉलिसी का रूल भी आपसे कह रहे हैं कि क्रिएट है पहले से। तो आपको कुछ स्टैंड अलोन डिवाइस पे कुछ करना, जैसे जैसे आप सिस्को ASA में काम करते हो ना, सिस्को ASA में क्या होता है, आप एक फायरवॉल बॉक्स लो, आप एक फायरवॉल बॉक्स लो, ठीक है? और उसके एक इंटरफेस को आप इनसाइड बोल दो तो सिक्योरिटी लेवल 100 होता है, दूसरे इंटरफेस को आप आउटसाइड बोल दो सिक्योरिटी लेवल 0 होता है। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, याद है? यानी बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक, वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे है कि अगर आपके पास स्टैंड अलोन FTD है तो आपको नेट पॉलिसी कन्फिगर नहीं करना और सिक्योरिटी पॉलिसी कन्फिगेशन नहीं करनी,
क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक नेट रूल पहले से अवेलेबल होता है और एक्सेस पॉलिसी भी पहले से अवेलेबल होती है। आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ये जो ये आप पॉलिसी टैब पे क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ देखो नेट है। देखो नेट पे आप क्लिक करोगे, नेट थोड़ा सा यहाँ पे अलग है क्योंकि आपने 48 में डिस्कशन किया है, सोर्स नेट आपने सुना है, आपने सिस्को ऐसे फावल बॉक्स में भी जब नेट कॉन्फ़िगरेशन किया था तो सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट डिस्कशन किया था, पालो ऑल्टो में भी सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। बट यहाँ पे हम दो टाइप के नेट डिस्कशन करते हैं, मैनुअल नेट और ऑटो नेट। देखो अगर आप FTP पे काम कर रहे हो तो चेक पॉइंट पे आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि ये चेक पॉइंट की तरह ही कुछ है लगभग, ठीक है ना? आप कैसे तो चेक पॉइंट की तरह ही है। देखो यहाँ पे क्या है, दो तरह के नेट हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो नेट पे, तो यहाँ पे देखो एक रूल पहले से बना हुआ है, आप इस रूल को एडिट करो। तो ये प्री डिफाइंड रूल है, आप इसमें एडिट आप चेंज नहीं कर सकते। देखो लिखा हुआ है क्रिएट रूल फॉर मैनुअल, तो आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। आपको अगर रूल क्रिएट करना है नेट का, आपने प्लस साइन पे क्लिक किया, देखो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक दिख रहा है मैनुअल नेट, दूसरा दिख रहा है ऑटो नेट। ये दोनों दोनों टाइप के नेट आपको कन्फिगर करने हैं लेकिन थ्रू FMC करना है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस स्टैंड अलोन डिवाइस पे नेट पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी यानी एक्सेस पॉलिसी आप कन्फिगर कर सकते हो। बट बाई डिफॉल्ट एक नेट पॉलिसी पहले से बना हुआ है। इस नेट पॉलिसी में है क्या, अगर आप ध्यान से देखो इस नेट पॉलिसी की रूल्स को वेरीफाई करो, तो यहाँ पे सोर्स आपका ओरिजिनल पैकेट है और ट्रांसलेटेड पैकेट की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे आप जिस ट्रांसलेट जिससे करना चाह रहे हो बाय डिफॉल्ट इस रूल के हिसाब से इंटरफेस के थ्रू। तो हम कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इस डिफॉल्ट पॉलिसी के साथ अभी जा रहे हैं। पॉलिसी जो हमें क्रिएट करनी है, नेट पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी, ये हमें FMC के थ्रू करनी है। आप एक्सेस पॉलिसी पे एक्सेस कंट्रोल पे जब क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पे एक रूल पहले से बना हुआ है, इसका नाम है इनसाइड आउटसाइड रूल। अगर आप इसको एडिट करो या इस रूल को एक बार वेरीफाई करो, देखो यहाँ पे रूल का नेम है, पहले से बना हुआ है रूल है ये, इसका ऑर्डर वन है। जैसे पॉलो ऑल्टो के अंदर होता है ना, हर एक पॉलिसी जो आप बनाते हो उसका एक सिक्वेंस नंबर होता है, या 14 आपको याद होगा पॉलिसी ID होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्डर वन है। अब ये सारी डिटेल है इस पॉलिसी के अंदर, सोर्स डेस्टिनेशन एप्लीकेशन URL यूजर इंट्रूजन पॉलिसी फाइल पॉलिसी लॉगिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर अगर आपको याद होगा पॉलो ऑल्टो, तो वैसा ही कुछ टैब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है क्या, सोर्स। सोर्स करने क्या क्या ऑप्शंस हैं, सोर्स जोन है, सोर्स एड्रेस है, सोर्स पोर्ट नंबर, SGT ग्रुप। SGT ये रिलेटेड है आपका आइस के साथ, सिस्को में एक सेपरेट प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। मैं आपको सिर्फ आईडी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सोर्स डिफाइन कर रहे हो, देन आप डेस्टिनेशन डिफाइन कर रहे हो, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट, SGT ग्रुप। देन आप एप्लीकेशन पे आ जाओ, एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे सिलेक्टेड है क्या, एनी एप्लीकेशन। URL पे आप चले जाओ तो भी बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे एनी URL है, एनी URL, एनी यूजर है, एनी इंट्रूजन पॉलिसी फाइल पॉलिसी। तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी पॉलिसी के हिसाब से अगर सोर्स इनसाइड जोन से कोई ट्रैफिक अगर आउटसाइड की तरफ जा रही है, कोई भी सोर्स एड्रेस है, किसी भी डेस्टिनेशन एड्रेस से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो एक्शन क्या है, तीन एक्शन आपके पास है। एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ट्रस्ट आप ऑप्शन आपको दिख रहा है, और एक है अलाउ, राइट? अगर आपने ब्लॉक किया इसका मतलब ट्रैफिक आप ब्लॉक करना चाह रहे हो। एक मिनट, मैं इस इनसाइड मशीन को स्टार्ट पे लगा दूं तो मैं ट्रैफिक इनिशिएट करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक का मतलब मैं ट्रैफिक ब्लॉक करना चाहता हूँ, अलाउ का मतलब ट्रैफिक अलाउ करना है मुझे, और ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक को मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे इंस्पेक्शन करना है, मतलब मुझे वेरीफाई करनी है। अगर कोई मेलिशियस इंफॉर्मेशन है तो मुझे उसकी लॉक्स चाहिए। तो ब्लॉक अलाउ और ट्रस्ट तीन ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट देखो हमने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया अगर, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्शन है वो क्या है, ट्रस्ट है। सेट जय जैस क्लियर है? एक्सेस पॉलिसी सर, एक्चुअली ट्रस्ट का क्या था समझ में नहीं मैंने आया कहा तीन एक्चुअली। ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, मैं आपको दिखा देता।
तीन ऑप्शन आपके पास है, एक है अलाउ, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा है ब्लॉक। अलाउ का मतलब क्या है आपका? अलाउ का मतलब ये है कि ट्रैफिक को मैं सीधे अलाउ कर रहा हूँ, मुझे कोई इंस्पेक्शन नहीं करना, मुझे कोई लॉक्स नहीं चाहिए, ट्रैफिक को मैच करो अलाउ कर दो। ट्रस्ट का मतलब है मैं ट्रैफिक को ट्रस्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे लॉक्स चाहिए, ठीक है, मैं इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ ट्रैफिक को। कोई भी ट्रैफिक आके इस रूल को हिट करेगी तो मुझे लॉक्स वेरीफाई करना है। अलाउ अगर आप कर रहे हो तो आपको लॉक से कोई मतलब नहीं है, चाहे ट्रैफिक मैच करो सीधे अलाउ करो। ठीक ब्लॉक का मतलब ये है कि ट्रैफिक को मैच करो और ट्रैफिक को डिनाय करो, क्लियर। ओके ये डिफॉल्ट पॉलिसी है। अब देखो इसके बाद भी एक पॉलिसी आपको दिख रही है, इसके हिसाब से तो सब कुछ अलाउ है, एनी सोर्स एड्रेस और एनी डेस्टिनेशन एड्रेस, बट इन बिटवीन इनसाइड और आउटसाइड, जो पहले से दो प्री डिफाइंड जोन बने होते हैं उनमें आपको दिख रही है। अब एक डिफॉल्ट रूल भी बना हुआ है, डिफॉल्ट एक्शन किसी भी ट्रैफिक के लिए क्या है? ब्लॉक। अगर आपको अपने हिसाब से कोई रूल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपने हिसाब से कोई एक्सेस पॉलिसी बना सकते हो। मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि एक्सेस पॉलिसी हमें FMC के थ्रू बनाना है, मैं आपको यहाँ का डिफॉल्ट ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ये यह जो फायरवॉल डिवाइस है आपको, अब आप इस पर वेरीफाई करो तो आई थिंक आपको एक आईपी एड्रेस मिल गई है थ्रू DHCP आपके वैन फेसिंग इंटरफेस पे। और अगर आप शो राउट कमांड टाइप कर रहे हो राउटिंग टेबल वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट भी क्रिएट हो गया है पॉइंटिंग टू दिस गेटवे। सो अगर ये इनसाइड मशीन, ये इनसाइड मशीन अगर अगर ट्रैफिक इनिशिएट करे आउटसाइड जाने की कोशिश करे, तो हम यहाँ से ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करके देख लेते हैं। इनसाइड मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इस टोपोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए या आपके नेटवर्क के हिसाब से होना चाहिए। आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस एंट्री, मेरा पॉइंट है कि ये सारी इंफॉर्मेशन उस मशीन पे पहले से अवेलेबल है। सो आईपी कॉन्फ़िग एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो हम लोग कन्फिगर कर सकते हैं। ncpa.cpl प्रॉपर्टीज, आईपी एड्रेस अभी कॉन्फ़िगर नहीं, तो हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 200 200 200.1.1 तो हम लोग गेटवे की तरफ यूज कर रहे हैं, वेट मैं इसको 10 दे देता हूँ। 200 200 200.1 और DNS में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जो यहाँ पे गेटवे की इंफॉर्मेशन दिख रही है वो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आप अपने नेटवर्क के हिसाब से जो DNS की एंट्री होगी वो आप कर सकते हो, 172.10.130.254 और मैं 8.8.8.8 की एंट्री कर रहा हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ पिंग google.com, रिप्लाई आ रही है। अगर मैं वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करूं या पिंग करते हैं फिर से ping facebook.com, सो रिप्लाई आ रहा है, जैश जय सिड, क्लियर है मेरी बात। तो स्टैंड अलोन डिवाइस पे आपको बाय डिफॉल्ट एक रूल मिलेगा, नेट रूल भी मिलेगा आपको और सिक्योरिटी पॉलिसी रूल भी मिलेगा आपको, एक्सेस पॉलिसी जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ फेसबुक, google.com facebook.com आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफॉल्ट पॉलिसी के हिसाब से ये ट्रैफिक अलाउ है। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल ये जो डिफॉल्ट पॉलिसी है इस पे चेंजेस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसी के थ्रू ट्रैफिक जा रही है कि नहीं जा रही है, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। यानी अगर इसी ट्रैफिक को हिट करके ट्रैफिक अगर इसी इसी रूल को हिट करके अगर ट्रैफिक बाहर जा रही है तो एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉक एक्शन ले रहा हूँ और इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर देते हैं इनटू FTD। यहाँ डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं, वो शो डायग्राम वो क्या था हाँ फिर से बोलिए। वहां पे, वो शो डायग्राम था वो क्या था?
शो डायग्राम कहाँ पे कह रहे हैं आप, फिर से बताइए। वो पॉलिसी में एक था वो शो पॉलिसी, हाँ डायग्राम, ठीक है, हाँ उस पे क्लिक की। पॉलिसी में ओपन करूँ, ठीक हाँ है। ये टोपोलॉजी कह रहे हैं आप, हाँ उसमें शो डायग्राम था। देख जैसे जैसे आप अभी जब आप FTD को जब फर्स्ट टाइम आपने एक्सेस किया था, तो जो फार्मल डिवाइस है उसके इंटरफेसेस आपको यहाँ पे दिख रहे थे, ये वैसा ही है जैसा कुछ 48 से है। 48 पे सिक्योरिटी फैब्रिक कॉन्सेप्ट सुना है ना आपने, सिक्योरिटी फैब्रिक कॉन्सेप्ट तो आपने सुना होगा जय। क्या होता है, आप मल्टीपल 48 के प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी हाँ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, आप सिक्योरिटी फैब्रिक में उसको ऐड करते हैं तो आपको पूरी टोपोलॉजी, लॉजिकल और फिजिकल टोपोलॉजी दोनों मिल जाती है। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे आपने FTD को एक्सेस किया तो ये टोपोलॉजी आपको लॉजिकल टोपोलॉजी दिख रही है कि आपका 0/0 है वो ISP के साइड में है, 0/1 आपने किधर कनेक्ट किया हुआ है, इनसाइड नेटवर्क में कनेक्ट किया हुआ है, बाकी दो हाँ इंटरफेसेस भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किए, मैनेजमेंट पोर्ट से आप इसे एक्सेस कर रहे हो, तो वही टोपोलॉजी आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। जो टोपोलॉजी आपकी चल रही है, ये जो पॉलिसी, जिस पॉलिसी, जो पॉलिसी आपने बनाया है पॉलिसी के हिसाब से, जो ये आपका है कि आपका जो ट्रैफिक है वो किधर से आ रहा है, ये आपका सोर्स जोन है आपका और डेस्टिनेशन जोन है, आपने क्या लिया हुआ है, एनी यूजर एनी नेटवर्क, ये सोर्स है, ठीक है। तो जो आपका टोपोलॉजी आपकी पॉलिसी, आप जो टोपोलॉजी बन रही है वो आपको वहां पे शो कर रहा है। मैंने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन किया है मैंने उसको पुश किया है और ये कॉन्फ़िगरेशन वेट, क्लियर है जी आपको हाँ सेट। कोई क्वेश्चन है आपका जयश, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन पुश होगा तो हम एक बार फिर से हम लोग ट्रैफिक को इनिशिएट करके देख लेंगे, क्योंकि अब हमने जो एक्शन लिया है, जो डिफ़ॉल्ट एक्शन था हमने उसको चेंज किया है, और अब एक्शन हमने परफॉर्म किया है क्या, ब्लॉक। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जो है वो पुश हो चुका है, अब आप अगर वेरीफाई करो फिर से google.com facebook.com को आप पिंग करने की कोशिश करो या आप वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करो तो अब आपको रिप्लाई नहीं मिल रही, क्लियर देख रहे हैं आप? आप पिंग नहीं कर सकते, आप google.com को एक्सेस नहीं कर सकते, facebook.com, तो ट्रैफिक जो है वो थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रैवल नहीं कर रही है, क्लियर। एक बार ये फिर से दिखाना प्लीज, जो आपने रूल लगाया। यस यस, नॉर्मल खाली जोन दिए ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिया, ब्लॉक करा ट्रैफिक, दैट्स इट। नहीं मैंने, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने बोला कि कुछ भी आपको क्रिएट नहीं करना है, सब कुछ पहले से क्रिएट है, स्टैंड अलोन डिवाइस पे जो पॉलिसी है पहले से बनी होती है, डिफॉल्ट पॉलिसी पहले से बनी होती है, ठीक है। आई थिंक आप थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ है ना जैश। हाँ जी, हाँ यहाँ पे क्या होता है, पहले से एक पॉलिसी पहले से बनी होती है, ठीक है, और वो पॉलिसी मैंने बोला है कि सिक्योरिटी पॉलिसी और नेट पॉलिसी, नेट पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी पहले से बना होता है, और ये रूल पहले से बना हुआ है, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, पहले हम अलाउ बाय डिफॉल्ट इस पे एक्शन था तो उसके हिसाब से हमने ट्रैफिक को इनिशिएट करके देखा, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही थी, फिर मैं आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि इसी रूल के थ्रू ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, तो हमने एक्शन क्या लिया, ब्लॉक। अब इस डिफॉल्ट पॉलिसी में क्या है कि ये सोर्स इनसाइड जोन है और जो डेस्टिनेशन है वो आउटसाइड जोन है। यस, अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करना है इनसाइड टू DMZ,
या आउटसाइड टू डीएमजेड या इनसाइड टू डीएमजेड, तो आपको पॉलिसी अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। बट ये डिफॉल्ट रूल पहले से होता है स्टैंड अलोन डिवाइस पे, स्टैंड अलोन एफटीडी में। क्लियर? यप यप। ओके सेट, कोई क्वेश्चन है आपका? जय, क्लियर है आपको? यप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन। मैंने आपको बोला कि मैं स्टैंड अलोन आपको दिखा देता हूँ, आपको आपको काम करना है, लेकिन पॉलिसी, नेट पॉलिसी, ये सब जो भी कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ से नहीं करने वाला, हम सारा कॉन्फ़िगरेशन एफएमसी से करेंगे, ठीक है? तो एफएमसी से मैनेज करने से पहले आपको इस डिवाइस को बताना होगा, ये जो आपका एफटीडी डिवाइस है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप इसको मैनेज करने जा रहे हो थ्रू एफएमसी। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है मैनेजर की। कमांड क्या होता है? सीएलआई थ्रू ही होगा या फिर हम ग्राफिकल भी कर सकते हैं? फिर से बोलिए। इसको सीएलआई के थ्रू ही होगा या फिर ग्राफिकल भी कर सकते हैं? एंट्री की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो सीएलआई के थ्रू ही, पहले आप एंट्री सीएलआई के थ्रू ही करते हैं। ओके। उसके बाद फिर आप जाते हैं ग्राफिकल पेज पे। एंट्री जो है, जितने भी एफएमसी की एंट्री आपको करनी है वो यहीं से करनी है। ओके। कमांड है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर मल्टीपल ऑप्शंस है, हम कॉन्फ़िगर मैनेजर कमांड लेके चलते हैं क्योंकि हमें मैनेजर की एंट्री करनी है। यहाँ पे ऐड, अब जो भी आपका मैनेजर है, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करिए, जो भी मैनेजर है उसकी एंट्री आप कर रहे हो। मैनेजर का आईपी एड्रेस क्या है? तो ये जो एफएमसी मैं यूज कर रहा हूँ, ये एफएमसी पहले से कॉन्फ़िगर है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये टोपोलॉजी यूज करता हूँ इस एफटीडी के साथ। लेकिन आई थिंक आप लोगों ने एफएमसी पे तो काम नहीं किया है ना, मैंने आप लोगों को एफएमसी पे वर्क करना नहीं बताया ना? नहीं। चलिए मैं आप लोग कल बता दूंगा, लेकिन आज मैं पहले रजिस्ट्रेशन लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर एफएमसी मैंने नया ऐड किया, स्टार्ट पे लगाया, तो कम से कम 30 से 40 मिनट लेगा वो स्टार्ट होने में। सॉरी, एफएमसी है क्या? एफएमसी जो है आपका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है सेट, ठीक है? अगर आपको मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस को मैनेज करना है तो आप सेंट्रलाइज लोकेशन से उसे मैनेज करते हो, और वो सेंट्रलाइज डिवाइस होता है एफएमसी। सिर्फ आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए नहीं होता सेट, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप स्टैंड अलोन डिवाइस पे या एफडीएम के थ्रू आप नहीं कर सकते, ठीक है? अभी आप जब आप एफएमसी के थ्रू से मैनेज करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हाई अवेलेबिलिटी है और भी जितने सारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स है, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं थ्रू एफएमसी। जैसे पालो अल्टो के अंदर कॉन्सेप्ट होता है पैनोरोमा, पैनोरोमा हम यूज करते हैं। चेक पॉइंट के अंदर आपने सुना ना, चेक पॉइंट मैनेजमेंट होता है, चेक पॉइंट मैनेजमेंट होता है। पालो अल्टो में पैनोरोमा होता है, 48 में 40 मैनेजर होता है, सिस्को एफटीडी में सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है सिस्को एफएमसी। क्लियर? फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर इसे कहते हैं। सेट, क्लियर है? यस। ओके, सो यहाँ पे, यहाँ जो एफएमसी है उस पे जो आईपी एड्रेस चल रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ 199.199.199.150। तो पहले आप इस मैनेजमेंट पीसी पे चले जाओ, ये जो मैनेजमेंट पीसी है, तो मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, मुझे एफएमसी के थ्रू इस डिवाइस को मैनेज करना है। तो आप पहले एफएमसी एक्सेस कर लीजिए। एफएमसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी एफएमसी चल रही थी तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ। 199.199.199.150 मैं यूज कर रहा हूँ आईपी एड्रेस। ये आपका फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। यूजर नेम आप जो यूज कर रहे हो यहाँ पे वो है एडमिन, और पासवर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं कैपिटल PAS$@123। आप अपने हिसाब से पासवर्ड कन्फिगर कर सकते हो। सो अभी मैंने क्या किया, अभी मैं इस मैनेजमेंट पीसी पे बैठ के मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ? एफएमसी को। तो ये आपका एफएमसी डिवाइस, इसको आपने ग्राफिकली लॉगिन किया है। देखो यहाँ पे बहुत सारे टैब अवेलेबल हैं, ओवरव्यू है, एनालिसिस है, पॉलिसी है, डिवाइसेस है, ऑब्जेक्ट, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस, डिप्लॉय। ओके, अगर आप किसी पे भी क्लिक करो, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट पे आप चले जाओ, और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे सेंट्रलाइज लोकेशन पे बना सकते हो।
तो आप सेंट्रलाइज बैठ के सारे ऑब्जेक्ट बना रहे हो और इन ऑब्जेक्ट्स को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज कर सकते हो अलग अलग फायरवॉल बॉक्स के लिए। आप डिवाइस टैब पे जा रहे हो, यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट है, नेट का ऑप्शन आपके पास है। पॉलिसी टैब पे जा रहे हो, आप यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी, इंट्रूजन पॉलिसी, मालवेयर फाइल पॉलिसी, डीएनएस आइडेंटिटी, एसएसएल प्री फिल्टर पॉलिसीज आप बना सकते हो। ये सारे ऑप्शंस वहां पे स्टैंड अलोन डिवाइस पे अवेलेबल नहीं थे। तो अभी अभी हमारा टास्क ये है कि मैं इस एफटीडी बॉक्स को, ये जो एफटीडी डिवाइस है, इस एफटीडी डिवाइस को मुझे मैनेज करना है थ्रू एफएमसी। तो सबसे पहले आपको आपको एफटीडी डिवाइस को बोलना पड़ेगा कि उसका मैनेजर कौन है, कौन इसे मैनेज करेगा। तो आप एफटीडी डिवाइस पे आ जाओ। कमांड की सिंटेक्स क्या होती है, कॉन्फ़िगर मैनेजर, ये कमांड मैंने टाइप किया है, कॉन्फ़िगर मैनेजर ऐड। और मैनेजर का आईपी एड्रेस क्या है हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से, 199.199.150। अब यहाँ पे आपको एक की डिफाइन करनी है, की आपको डिफाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CCIE, आपने इंटर प्रेस किया, तो ये जो आपने की डिफाइन किया है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि अभी आप इस डिवाइस को तो स्टैंड अलोन यूज कर रहे हो और आप मैनेजर की एंट्री कर रहे हो, आपको रियली करना है? मैंने कहा यस। तो ये जो आपने की यहाँ पे डिफाइन किया है, हाँ ये की की रिक्वायरमेंट आपको कहाँ पे है, जब आप एफएमसी पे बैठ के इस एफटीडी डिवाइस को रजिस्टर करोगे तो ये की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है मेरी बात जय? तो अभी हमने क्या किया, मैनेजर की एंट्री की है। वेट, जब तक ये कर रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस कर रहा है, हम चलते हैं यहाँ पे। आप डिवाइस टैब पे आ जाओ और डिवाइस मैनेजमेंट पे आ जाओ। डिवाइस मैनेजमेंट वो टैब है जहाँ पे आप डिवाइसेस को रजिस्टर्ड करते हो। तो यहाँ पे अभी कोई भी डिवाइस नहीं है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। वेट, यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री की है, आपने मैनेजर की एंट्री की है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है, अब आपको एफएमसी पे जाना है। लिख रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन की है वो आपको चाहिए एफएमसी पे। यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करो, मान लो आप एफटीडी पे काम कर रहे हो और आपको टाइप करना है शो मैनेजर कमांड, आप टाइप कर लो। शो मैनेजर कमांड है जो आपको आपको आइडिया देता है कि इसका मैनेजर कौन है इस एफटीडी डिवाइस का। तो वो है 150, ये आपने एंट्री किया था, ये की है, की आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग दिख रहा है, यानी अभी एफएमसी पे इस डिवाइस की एंट्री नहीं हुई है नाउ। तो यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, अगर आपको डिवाइस रजिस्टर्ड करना है कोई भी एफएमसी एफटीडी डिवाइस, आपको एड पे क्लिक करना है, डिवाइस पे क्लिक करना है, और ये टैब है एड डिवाइस का टैब है, एड डिवाइस। पहला ऑप्शन क्या है, होस्ट, यानी सबसे पहले आपको उस एफटीडी डिवाइस का आईपी एड्रेस डिफाइन करना है। फिर डिस्प्ले नेम क्या है, डिस्प्ले नेम आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हो, जैसे मान लो इस जो बॉक्स आप रजिस्टर कर रहे हो उसका नाम फायरवॉल वन है या एफटीडी वन है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिफाइन किया है CCIE, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो सेम की आपको चाहिए। अगर आपको इस बॉक्स को किसी ग्रुप में डालना है, मान लो चार एफटीडी हैं वो मार्केटिंग ग्रुप में है, चार एफटीडी हैं वो सेल्स ग्रुप में है, तो आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, डिवाइस ग्रुप आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे एक टैब आ रहा है एक्सेस पॉलिसी का, एक्सेस पॉलिसी। तो जब आप डिवाइस को रजिस्टर्ड करते हो तो आपको एक एक्सेस पॉलिसी का पैकेज या एक्सेस पॉलिसी आपको ऐड करना होता है, ठीक है। पॉलिसी में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है वो बात की बात है, पॉलिसी में आपको क्या अलाउ करना है क्या डिनाई करना है ये एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में आप बाद में डिफाइन करोगे। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप डिवाइस को रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी आपको डिफाइन करना होता है। ये पॉल वन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। वेट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
नाउ डिवाइस पे आते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट, एड डिवाइस, और यहां पे मैं एंट्री कर रहा हूं 199.199.199.100। ये आपका एफटीडी का आईपी एड्रेस है। कमांड क्या है वेरीफाई करने के लिए, मैनेजर का मैनेजमेंट पोर्ट का आईपी एड्रेस, शो नेटवर्क। तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस शो हो रहा है 100। नाउ डिस्प्ले नेम क्या होगा, तो डिस्प्ले नेम मैं ले रहा हूँ क्या FTD1। वेट, FTD-1 रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन की हम लोग यूज कर रहे हैं CCIE। नाउ अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आप बना सकते हो, एक्सेस पॉलिसी आप अटैच कर सकते हो, तो क्रिएट न्यू पॉलिसी, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कोई ना कोई पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करके ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई FTD-1 पॉल के नाम से, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो एक्शन है इस पॉलिसी के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट एक्शन क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑल ट्रैफिक, यानी जो आप पॉलिसी पैकेज बना रहे हो, जो आप इस एफटीडी के साथ अटैच कर रहे हो, उसमें जो डिफॉल्ट एक्शन है वो ब्लॉक है। अभी आपने स्टैंडअलोन डिवाइस पे काम किया था, वहां पे डिफॉल्ट एक पॉलिसी बनी होती है और उस पर डिफॉल्ट एक्शन क्या होता है, ट्रस्ट, याद है? जय जय सेट, क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने क्लिक किया ओके, मैं डिफॉल्ट एक्शन है वही लेके चल रहा हूँ, ब्लॉक ऑल ट्रैफिक। ओके, यहाँ पे कुछ लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है, ये सब लाइसेंस है, लेकिन जो आप जिस एफएमसी पे काम कर रहे हो, जिस एफटीडी बॉक्स पे आप काम कर रहे हो, सिर्फ 90 डेज के लिए है। 90 डेज के बाद आपको डिवाइस डिलीट करके नया ऐड करना होगा, अगेन आपको ट्रायल वर्जन लेना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है मालवेयर, थ्रेट, URL फिल्टरिंग, तो आप इनको चेकबॉक्स लगा सकते हो, लेकिन आप सेलेक्ट कर लो पहले कि आप एफटीडी कौन सा यूज कर रहे हो। तो जिस एफटीडी, जो एफटीडी डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें जो रैम और प्रोसेसर मैं यूज कर रहा हूँ 4 CPU और 8 GB रैम, तो उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो 4 CPU 8 GB रैम। नाउ ये सारे लाइसेंस हैं, आप इसे चेकबॉक्स लगा सकते हो, लेकिन मैंने अगेन बोला कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, जो 90 डेज का ट्रायल वर्जन है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, URL का इन्फॉर्मेशन हो, उसी से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपने रजिस्टर किया, वेट कर लीजिए, टाइम लेगा। यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है जयश जय सिट, आपको एक मैसेज दिख, देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन मैसेज आ रहा है ढेर सारे, जो भी प्रोसेस बैकग्राउंड में हो रहा है उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो कह रहा है कि FTD-1 आपने डिप्लॉय किया हुआ है, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये टाइम उसने लिया हुआ है, और यहाँ पे आपको उस बॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है FTD-1, ये उसका आईपी एड्रेस है 199.199.100,
एफटीडी फॉर केवीएम वीएम फाइबर बॉक्स आप यूज कर रहे हो, एफटीडी वी जो वर्जन आप यूज कर रहे हो वो लेटेस्ट वर्जन है 7.0.0 और बेस लाइसेंस आपके पास है, ट्रायल वर्जन आप यूज कर रहे हो नाउ। अब ये टाइम लेगा, जब तक ये टाइम ले रहा है आप यहाँ पे आके वेरीफाई कर लो। अगर आप एफटीडी डिवाइस पे हो और आपको वेरीफाई करना है कि ये डिवाइस किसी एफएमसी के साथ रजिस्टर है कि नहीं, तो कमांड आपकी क्या होती है, शो मैनेजर कमांड। शो मैनेजर कमांड आप टाइप करते हो और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे अब पहले आपको क्या दिख रहा था, पेंडिंग, अभी आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीट, यानी ये डिवाइस अब रजिस्टर हो चुकी है वहां पे ना। अब अगर आप बाकी यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो एफटीडी को, अगर इसको मैनेज करना हो एफटीडी को, तो आप यहीं से मैनेज करोगे। बट उससे पहले जब तक वो प्रोसेस कर रहा है, आप शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ को देख लो। देखो आप इसी एफटीडी पे अभी कुछ देर पहले वर्क कर रहे थे, याद है, और इस पे आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन था, याद है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन इरेज हो गई, दिख रहा है आपको, सारी इन्फॉर्मेशन इरेज हो गई। तो जैसे ही आप इस पे, अगर आप स्टैंड अलोन यूज कर रहे हो, ये क्लियर रखो, अगर आप स्टैंड अलोन यूज कर रहे हो और आपको उस डिवाइस को एफएमसी के साथ रजिस्टर करना है, जैसे आप रजिस्टर करने की कोशिश करोगे, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इरेज हो जाएगी। नाउ वेट कर लेते हैं, ये डिवाइस पूरा अभी प्रोसेस टाइम लेगा। पोर्ट एडमिन डाउन है देन आल्सो इट विल वर्क। फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं, पोर्ट एडमिन डाउन है फिर भी वो काम करेगा क्या स्टेटस एडमिन, ये आप ये इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये अभी आप यहाँ से जब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप उसको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे ना नो शट डाउन कमांड, ठीक। अभी ये फायरवॉल, मेरा पॉइंट ये है, ये पूरा का पूरा फायरवॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इरेज हो गई। अभी ये नया फायरवॉल बॉक्स आपने एफईडी पे रजिस्टर कर लिया, जब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें आप डिसाइड करेंगे नो शट डाउन कमांड। ओके, तो ये आपका एफटीडी वन आपको दिख रहा है। अगर आप अपने मल्टीपल डिवाइसेस को रजिस्टर्ड किया तो मल्टीपल डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप मान लो एफटीडी वन पे वर्क करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने क्लिक किया एफटीडी वन पे, जैसे ही आपने क्लिक किया आप कहाँ आ गए, आप एफटीडी वन बॉक्स के अंदर आ गए। ये आपका एफटीडी वन, क्या क्या चीज़ें आप कन्फिगर कर सकते हो, डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर लो या चेंजेस कुछ करने आप कर लो, राउटिंग, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, इनलाइन सेट। इनलाइन सेट क्या होता है अभी हम बात करेंगे, ठीक है। डीएसईपी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, कॉन्फ़िगर करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे इंटरफेसेस दिख रहे हैं, फिजिकल इंटरफेसेस जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो 0/0 से लेके 0/3 इंटरफेस तक। अगर आपको सब इंटरफेसेस रिडंडेंट इंटरफेस या आपके पास ब्रिज ग्रुप वर्चुअल टनल इंटरफेस ये सब आपको क्रिएट करना है आप कर सकते हो। देखो सब इंटरफेस की स्टोरी क्या होती है, रेड इंटरफेस की स्टोरी क्या होती है आपको पता है, मेरा पॉइंट ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये दोनों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, 0/0 इंटरफेस अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं वैन के लिए, सो 0/0 इंटरफेस आपने नेम यहाँ पे डिसाइड किया, तो मैं ले रहा हूँ क्या इसको वैन नेटवर्क, और यहाँ पे सिक्योरिटी जोन। देखो मैं ऑलरेडी इस, मैंने बोला एफएमसी को मैं ऑलरेडी इस एग्जिस्टिंग सिनेरियो में यूज कर रहा था किसी और बैच के लिए, यहाँ पे एफटीडी ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे जो जोन आपको दिख रहा है ये पहले से नहीं है, ये हम लोगों ने क्रिएट किया था तब दूसरे बैच में। तो आप लैंड जोन वैन जोन आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, बट अदरवाइज आपको क्रिएट करना है तो आप बना सकते हो, मैं आपको अभी ऑप्शन दिखा दूंगा। अब आप यहीं पर क्लिक कर लो, न्यू पे क्लिक कर लो और यहाँ से आप जोन क्रिएट कर सकते हो। तो जो मैंने लैंड जोन बनाया है इस इंटरफेस को मैं यूज करना चाहता हूँ वैन के लिए, तो आपने जोन जो बनाया है आप वैन जोन को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप इनेबल, ये आपकी नो शट डाउन कमांड है। अगर आप इस इंटरफेस को 0/0 इंटरफेस को मैनेजमेंट पोर्ट की तरह भी यूज करना चाहते हो तो आपको ये चेकबॉक्स लगाना है। यहाँ पे मोड का ऑप्शन आ रहा है, मोड में देखो जब आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पैसिव और ईआर स्पैन, ये क्या होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। बट अभी जो मोड है, मोड का ऑप्शन जो है वो नल लेके चलते हैं। सिक्योरिटी जोन, तो मैंने इसे ऐड किया क्या वैन जोन अटैच किया आपने, IPv4 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप आई पी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मुझे DHCP के थ्रू आई पी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपने क्लिक किया और DHCP का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया। देखो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, आपको स्टैटिक करना है, DHCP करना है, PPoE करना है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, आप सेलेक्ट कर सकते हो। DHCP मुझे मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि
ये वाईफाई मॉडम के थ्रू मुझे एक आईपी एड्रेस मिल जाएगी, क्लाउड के थ्रू मुझे एक आईपी एड्रेस मिल जाएगी। नाउ और कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, क्लिक ऑन ओके। ये आपका 0/0 इंटरफेस। देखो आप एफएमसी पे वर्क कर रहे हो, जब भी कुछ भी आप चेंजेस करोगे ना, पहले आपको उस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ एफएमसी में स्टोर करना है, सेव करना है। सेट, जब भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो आपको कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ सेव करना है। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन पुश नहीं हुई है एफटीडी के अंदर। जय जय, क्लियर है मेरी बात? यप। तो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन है? कमिट नहीं करना पड़ेगा। फिर से बोलिए। कमिट यहाँ नहीं होता, यहाँ पे डिप्लॉय होता है। ओके, पॉलो अल्टो में कमिट करते हैं आप, यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो जो भी चेंजेस आप करेंगे उसको सेव करेंगे। जैसे आप सेव करने के बाद फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा ना? हाँ, फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं पॉलो अल्टो में। 0/0/1 इंटरफेस, ये मैं इसको यूज कर रहा हूँ। लैन नेटवर्क, इसका एक नाम दे रहा हूँ लैन नेटवर्क। नो शट डाउन कमांड, यानी इनेबल चेकबॉक्स आप लगा सकते हो। और सिक्योरिटी जोन, तो एक जोन हमने क्रिएट किया है लैन जोन, आपने अटैच किया। IPv4 एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 200.1/24। क्लिक ऑन ओके। ये आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लीजिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एफएमसी के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, आपने एफएमसी में उसको सेव किया होगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको पुश करना है एफटीडी बॉक्स में, तो आप डिप्लॉय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करोगे। और आपको कहाँ पुश करना है, तो देखो जिस पॉलिसी जिस अभी जिस बॉक्स पे आप काम कर रहे थे वो FTD1 था, आप ऑलरेडी FTD1 के अंदर थे और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, FTD1 से रिलेटेड चेंजेस, FTD2, 3, 4 सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। आप क्या चेंजेस कर रहे हो, आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके देख लो कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो। तो आप इंटरफेस पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कुछ कर रहे हो, और वो इंटरफेस पॉलिसी किसने कॉन्फ़िगरेशन किया है, एडमिन अकाउंट ने। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि क्या चेंजेस आप करने की कोशिश कर रहे हो, या किसने अगर चेंजेस किया है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले आप इसको डिप्लॉय कर लो, आप इसको सेलेक्ट करो। मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटस पेंडिंग, तो मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन पुश करना है। डिप्लॉय पे क्लिक किया और डिप्लॉय पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिप्लॉयमेंट का इन प्रोग्रेस आपको मिल रहा है यहाँ पे मैसेज एक, और थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पे आके वेरीफाई कर सकते हो इस FTD डिवाइस पे। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, इसे पहले कमिट होने दीजिए या डिप्लॉय होने दीजिए, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं इंटरफेस को।
ओके यहाँ पे एक मैसेज आपको दिख रहा है स्टेटस का, स्टेटस क्या है कंप्लीटेड, यानी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन पुश किया है वो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल रही है क्या, डीएससीपी और मैनुअल, यही ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था जैश जय सेड। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आपने कहाँ से किया है, एफएमसी के थ्रू किया है। आप डिवाइस पे जा रहे हो, डिवाइस मैनेजमेंट पे अगेन आप जा रहे हो, FTD, तो यहां से आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सब इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं, मैं आपको सिर्फ आईडिया दे रहा हूँ, मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, आपको सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने हैं। सब इंटरफेस क्यों बनाते हैं ये तो पता है ना सबको, इंटरवीलन के लिए, इंटरवीलन आपको करना हो या मल्टीपल वीलन चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक नाम दिया, यहाँ पे मैंने बोला VLAN 10, ये सिर्फ एक नाम है, कोई VLAN नहीं है, ठीक है, VLAN 10। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी जोन लिया तो ये किसका पार्ट है, तो हम एक और जोन बना लेते हैं। आपने बोला LAN जोन 11, क्लिक ऑन ओके। नाउ सब इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपके पास फिजिकल इंटरफेस होना चाहिए, तो फिजिकल इंटरफेस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिजिकल इंटरफेस कौन सा है, तो मैं ले रहा हूँ 0/2, ये इंटरफेस ले रहा हूँ। इस इंटरफेस के भी यहाँ पे हम मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको इनेबल करना है, यहाँ पे सब इंटरफेस आईडी देनी है, जैसे .10 आपने सिस्को राउटर बनाया हुआ .10 .20, तो आपने 10 दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो एनकैप्सुलेशन की देते हैं। हाँ हाँ, जो आप सिस्को राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना। हाँ जी हाँ जी, आप पहले क्या बोलते हो, इंटरफेस फिर फास्ट ईथरनेट 0/0 फिर .10 देते हो। हाँ जी, फिर आप इंटरफेस के अंदर चले जाते हो, फिर एनकैप्सुलेशन .1Q, फिर आप VLAN की आईडी डिफाइन करते हो। यस यस, यहाँ पे वही ऑप्शन है ग्राफिकली। ओके, इसमें भी वो बैंडविड्थ शेयर्ड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, हाफ हाफ सब इंटरफेस में बैंडविड्थ शेयर हो जाती है क्या, मींस ऐसा कुछ चार है तो I think so. नहीं, अगर मेरे पास एक फिजिकल इंटरफेस है फर्स्ट ईथरनेट 0/0 और अगर मैंने सब इंटरफेस, चार सब इंटरफेस क्रिएट किए हैं, तो वो लोड शेयर करेगा ये इंटरफेस, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है क्या, मैंने तो नहीं सुना। I think so. मैंने सुना है तब तक कि वो बाय डिफॉल्ट शेयर करता है। नहीं, I don't think वो बैलेंस ऐसे, वो मतलब बैंडविड्थ शेयर करता है। ओके, नहीं जय, वो ऐसा कोई लोड बैलेंस नहीं करता, ठीक है। हर इंटरफेस, अब पॉइंट यहाँ पे है ना कि ये जो इंटरफेस है, आपने फॉर एग्जांपल गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट लिया हुआ है, तो कितना लोड ले सकता है, उतने सब इंटरफेस आप उसके हिसाब से बनाते हो, ठीक है, लोड के हिसाब से। वरना बनाने के लिए तो आपके पास इतने नंबर है, देखो आपके पास इतने नंबर है, तो ये जो इंटरफेस है कितना लोड ले सकता है उसके हिसाब से आप उतने सब इंटरफेसेस आप क्रिएट करते हो। बट लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग का ऑप्शन सेट आपने सुना है कभी? नहीं। ओके, यहाँ पे आते हैं VLAN आईडी, तो मैं VLAN आईडी ऐड कर रहा हूँ VLAN 10 और आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। सिंपल सी बात है, जब आप सब इंटरफेस क्रिएट करते हो तो आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे मैंने बोला 192.168.30.0.30.1/24। ओके, तो मैं आपको एक सब इंटरफेस क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये आपका सब इंटरफेस है, कॉन्फ़िगरेशन आप सेव कर लो अगर आपने कुछ चेंजेस किया है तो। अब आते हैं दूसरे टैब पे, आई होप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर हो गया होगा जैश जय सेट। Yes. राउटिंग टैब पे आप आ जाइए, राउटिंग टैब, अगर आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, देखो आप एफटीडी बॉक्स के अंदर हो, ये ध्यान रखना है, यानी जिस बॉक्स पे आपको काम करना होता है डिवाइस और डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू, आप उस डिवाइस पे जाते हो, फिर वहां पे आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ये डिवाइस जो रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको डिवाइस के अंदर जाके करनी होती है। आपको अगर पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए सेपरेट टैब है,
नेट कॉन्फ़िगरेशन करना है सेपरेट टैब, ये आपका डिवाइस डिवाइस रिलेटेड जितना कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से करो, जैसे आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, देखो सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, OSPF, OSPF वर्जन 3, RIP, BGP, स्टैटिक राउटिंग। मैं आपको स्टैटिक राउटिंग का ऑप्शन बता देता हूँ, स्टैटिक राउटिंग आपने क्लिक किया स्टैटिक राउट, यहाँ पे आपको कोई एंट्री क्रिएट करनी है तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आईपी वर्जन 4 के लिए करना है आपको, आईपी वर्जन 6 के लिए करना है तो आईपी वर्जन 4 के लिए कर लेते हैं। ऐड राउट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन है, मैं आईपी वर्जन 4 के लिए कर रहा हूँ। तो एग्जिट इंटरफेस क्या है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, मैं एग्जिट इंटरफेस मेरा है फॉर एग्जाम्पल लैन नेटवर्क, और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे अगर आपको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता है तो आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करो और यहाँ से आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बना सकते हो कि मैं पर्टिकुलर नेटवर्क पे अगर जा रहा होगा तो उसका ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का है, ठीक है ना। नेटवर्क ऑब्जेक्ट के अंदर सारे ऑप्शन हैं। अब आप सोचोगे कि सिंगल आईपी एड्रेस का ऑप्शन तो होता नहीं है स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने में, नेटवर्क डिफाइन करना होता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाया और उसको आपने यहाँ पे अटैच किया, जैसे अभी मैं क्या ले रहा हूँ एनी, एनी का मतलब मैं डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, एनी आपने ऑप्शन लिया। गेटवे आप डिफाइन कर सकते हैं, गेटवे आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट होप का जो आईपी एड्रेस है, नेक्स्ट होप का जो आईपी एड्रेस है हम कह देते हैं क्या लैन ISP, सिर्फ एक नाम है ये। सो जो नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस है वो है 200 200 200 85, या अभी हम क्या यूज कर रहे हैं 10 आई थिंक यूज कर रहे हैं इनसाइड मशीन पे, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं आप। जो भी आईपी एड्रेस आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप उसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और आपने सेव पे क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को आपने अटैच किया गेटवे के लिए, क्लियर। मैं ये एंट्री क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट आउट हम यूज कर रहे हैं ISP के साइड में, तो मैं आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ, क्लियर क्लियर है ये ऑप्शन। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन करना, अगर आपको OSPF कॉन्फ़िगरेशन करना है वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपने OSPF पे क्लिक किया, स्टोरी आपको पता है OSPF की, BGP की स्टोरी आपको पता है, सिर्फ आपको एंट्री क्रिएट करनी है। देखो प्रोसेस आईडी आप डिफाइन कर सकते हो, आप एरिया डिफाइन कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा कॉन्सेप्ट वो आप कर सकते हो। तो OSPF में OSPF की अगर आपको स्टोरी पता है जितनी सीजन लेवल की पता है तो सीजन लेवल का OSPF आप कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या CSNP लेवल यानी आपका स्पेशल एरिया भी होता है, वर्चुअल लिंक भी कॉन्सेप्ट होता है। हमारा फोकस राउटिंग पे नहीं है लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैस क्लियर है, जय सेट ये नाउ अब आते हैं यहाँ पे डिवाइस टैब पे। अब डिवाइस टैब पे क्लिक करो, डिवाइस टैब पे आप क्लिक करो तो डिवाइस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, जैसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, जनरल इन्फॉर्मेशन किसका डिवाइस का होस्ट नेम क्या है, ट्रांसफर पैकेट मोड क्या है इस फायरवॉल बॉक्स का, रूटेड मोड में आप राउटेड मोड में आप यूज कर रहे हो, लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, लाइसेंस तो आपके पास ये मालवेयर थ्रेट और URL फिल्टरिंग का लाइसेंस है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, सिस्टम इन्फॉर्मेशन कि आप सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस यूज कर रहे हो फॉर KVM, ये इस डिवाइस का सीरियल नंबर है, ये टाइम है, टाइम जोन वर्जन जो आप यूज कर रहे हो 7.0 है, इसकी हेल्थ स्टेटस आप वेरीफाई कर सकते हो, मैनेजमेंट का आईपी एड्रेस आपका ये चल रहा है 199.199.1, ये मैनेजमेंट इंटरफेस आपका, मैनेजमेंट इंटरफेस जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है वो मैनेजमेंट इंटरफेस है, अगर आपको किसी डेटा इंटरफेस को मैनेजमेंट पोर्ट की तरह यूज करना है तो आप कर सकते हो। कोई पॉलिसी आपने अप्लाई किया है कि नहीं, तो FTD 1 में आप काम कर रहे हो और आपको याद है आपने FTD पॉल के नाम से पॉलिसी बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पॉलिसी जितनी भी आप बनाते हो, आप पॉलिसी टैब पे क्लिक करते हो, एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको जितनी भी पॉलिसी पैकेज आपने बना के रखी, ये पॉलिसी पैकेज इसे कहते हैं, इसके अंदर आप मल्टीपल पॉलिसीज बना सकते हो और उन पॉलिसीज को आप FTD में पुश कर सकते हो। तो आपने FTD पॉल बनाया था, जब एक्सेस पॉलिसी डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल एक्सेस पॉलिसी कैसे बनाते हैं।
बट यहाँ पे एफटीडी पॉल जो आपने डिवाइस रजिस्ट्रेशन के टाइप पे बनाया था, याद है आपको? तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। फिर से डिवाइस मैनेजमेंट पे आते हैं, एफटीडी पे आते हैं, डिवाइस टैब, नाउ तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस, पॉलिसी कौन सी अप्लाई हुई है, सीपीयू रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, एडवांस सेटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिवाइस टैब पे मिल रही है। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हो, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने मेरे से देखा। अब हम बात करेंगे इनलाइन सेट की, इनलाइन सेट हम डिस्कशन करेंगे कल। यस जय, कोई क्वेश्चन है? नहीं, ऑल गुड। इनलाइन सेट हम कल डिस्कशन करेंगे, प्लीज आप लोग 2:30 पे कनेक्ट हुआ कीजिए क्योंकि 3:30 पे अगेन मेरा बैच होता है, ठीक है ना? ऑल गुड, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय बाय।